आपको नहीं लगता कि पंडित रामकृष्णा ने जो बुद्धिमानी की परख की प्रतियोगिता रखी है ये कुछ विचित्र सी है? नहीं महारानी, इसमें भला विचित्र क्या है? महाराज, विचित्र तो है 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने से पूर्व आपका मुख देखना होगा। महारानी, वो पंडित रामकृष्णा है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते। उनकी प्रत्येक बात में कोई बात छिपी होती है। अब यदि उन्होंने ये शर्त रखी है तो अवश्य ही इसके पीछे भी कोई ठोस कारण होगा। और वैसे भी जहाँ तक हमारी स्मरण शक्ति कार्य करती है तो बुद्धिमता की ये प्रतियोगिता आप ही तो आयोजित करवाना चाहती थी। महाराज, महाराज, हम आपसे रुष्ट होने वाले हैं। हाँ। लो, अब आपको क्या हुआ? महाराज, आपने महारानी चिन्ना देवी के कहने पर बुद्धिमानी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, किंतु अब यदि आपने सर्वश्रेष्ठ भोजन बनाने वाली प्रतियोगिता नहीं रखी ना, तो हम आपसे रुष्ट हो जाएंगे। महारानी तिरुमालंबा, यदि आप हमसे पूछें तो इस प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता सर्वथा व्यर्थ ही सिद्ध होगी। महाराज, हमारा कहने का अर्थ ये है कि ऐसी किसी प्रतियोगिता का क्या लाभ जिसके विजेता का पहले से ही सबको पता हो, क्योंकि विजयनगर तो क्या, यदि संपूर्ण विश्व में स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो उसका तो केवल एक ही विजेता होगा, हमारी महारानी तिरुमालंबा। जी महाराज, महाराज आपने तो हमें प्रसन्न कर दिया। इसी उपलक्ष में हमने आपके लिए पीपल के पत्ते और बरगद की छाल की विशेष चटनी बनाई है। महाराज चखिए, बताइए तो कैसी बनी है। लीजिए महाराज, चखिए। क्या बात है छोटी महारानी, महाराज चखिए ना, चखिए चखिए। महाराज की जय, महाराज की जय। आइए गुरुवर, आइए। प्रणाम गुरुवर। आप सही समय पर आए गुरुवर। महारानी तिरुमालंबा ने पीपल के पत्तों और बरगद की छाल की स्वादिष्ट चटनी बनाई है, आप भी ग्रहण कीजिए। ये भोजन हम ग्रहण करें? ना 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 ना, ना। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है महाराज, हम उधर नहीं नेत्र भरने आए हैं। आपके दर्शन हो गए, आत्मा तृप्त हो गई, अब हम जा रहे हैं। हमें वो 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी है महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, चलते हैं। गुरुवर संभालिए, गिर गए महाराज। अरे हम ठीक है, हम ठीक है। क्या बताएं, चोट बहुत तीव्र लगी है। गुरुवर भीना, हमारा महाराज के दर्शन करना अति आवश्यक है। हाँ सैनिक महोदय, हमें अपनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी है, अतः आपसे विनती है हमें भीतर जाने दीजिए। रोकिए मत, जाने दीजिए, जाने दीजिए सैनिक महोदय, कुछ तो है। वारपाल, उन्हें आने दो। जी महाराज। महाराज, प्रणाम। महाराज, प्रणाम। महाराज, प्रणाम। महाराज, प्रणाम। महाराज, प्रणाम। महाराज, छोटी महारानी, वो पंडित रामकृष्णा हैं और उनकी इस बात में अवश्य ही कोई ना कोई बात होगी। क्यों महाराज, देख लिया आपने पंडित रामकृष्णा की बुद्धिमानी, आप भोजन भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पंडित रामकृष्णा, ये क्या किया आपने, ऐसे तो रात्रि तक हमारी मुंह दिखाई ही होती रहेगी, ये कैसी बुद्धिमानी है। तो
अद्भुत, अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के कलाकार हो तुम, फिर भिक्षा क्यों मांगते हो? अरे क्या कलाकृति बनाई तुमने इस मटके पर? मैं तुम्हें इसका पारिश्रमिक दूंगा। तुम्हारे भीतर कला है, इस कला का प्रयोग धन अर्जित करने के लिए करो, ना कि लोगों के समक्ष हाथ फैलाने के लिए। विश्वास करो, परिश्रम से कमाई गई रोटी में अलौकिक स्वाद होगा। पंडित रामकृष्ण, आपके इस वचन ने मेरे भीतर के आत्मविश्वास को जगा दिया, मेरे भीतर के कलाकार की दृष्टि को खोल दी। अब मैं लोगों के सामने हाथ फैला कर नहीं बल्कि अपनी कलाकृतियां बनाकर धन एकत्रित करूंगा। बहुत अच्छी, और इसका शुभारंभ मैं करूंगा। ये लीजिए आपका पारिश्रमिक। नहीं नहीं, ये तो अत्यधिक है, मुझे तो बस एक स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। नहीं, ये 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम ही रखो। नहीं नहीं, इतना धन मैं नहीं ले सकता। अरे अधिक नहीं है, ये तो आपका पारिश्रमिक है, ले लीजिए। नहीं, मैं नहीं ले सकता। अरे प्रतियोगिता जीतने का प्रश्न है, क्यों मेरा काम बिगाड़ रहे हो? ये लो। अरे 10 स्वर्ण मुद्राएं में तो मैं 10 कलाकृतियां बना दूंगा। हाँ तो बाकी की 9 कलाकृतियां मैं आपसे बाद में खरीद लूंगा, फिलहाल ये 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। लो 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 लो। हाँ, ये तो 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर ली। पंडित रामकृष्ण ने 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी, किंतु ये तो महाराज का मुख देखने गए नहीं। हो, समझ गए, पंडित रामकृष्ण ने पूरी गोटी घुमा दी। महाराज का मुख देखने का नियम इन्होंने सबको मूर्ख बनाने के लिए बनाया, और स्वयं यहाँ आकर धन व्यय कर रहे हैं। तिकड़मबाजी है, वो भी हमसे। एक बात बताइए, क्या आप महाराज का मुख देखने के लिए नहीं जाएंगे? नेत्र खोल कर देखो, वो देखो, पंडित रामकृष्ण अभी अभी उस भिखारी को 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर गए हैं, वो भी महाराज का मुख देखे बिना। तुम इस बात के साक्षी हो, यदि हम तुम्हें दरबार में बुलाएंगे तो तुम्हें आकर साक्ष्य देना होगा, समझ गए? जी राजगुरु जी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे पंडित रामकृष्ण, आप समस्त विजयनगर को घनचक्कर बना सकते हैं, किंतु इस तथाचार्य को नहीं। हम महाराज के समक्ष आपकी समस्त पोल पट्टी खोल देंगे, और इस प्रतियोगिता में भी विजयी हम ही होंगे। हमारे सर पर सजेगा विजयनगर की सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति का मुकुट, और आप पंडित रामकृष्ण चौराहे पर खड़े होकर बजाएंगे छुनछुने, छन छन छुन छुन छन छन छुन छुन छन छन छुन छुन। बस एक बार हमें महाराज के दर्शन हो जाएं तो हम भी अपनी स्वर्ण मुद्राएं यह कर ले। हे भगवान, इतनी लंबी पंक्ति, यदि महाराज के दर्शन शीघ्र करने हैं तो इस पंक्ति को तोड़कर बीच में घुसना होगा। कब ये द्वार खुलेगा? कब महाराज आएंगे? आनी कब आएंगे? मैंने पीछे देख, ये बुढ़ू जहाँ क्या कर रहा है? हमारी तरफ ही चला आ रहा है। शिव 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 शिव, यदि इस बुढ़े ने हमें देख लिया तो ये बीच में घुसाएगा। हरि पाखंडी दुष्ट, क्या करें? मन ये काम करते, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। समय दिख, समय दिख। ये अच्छा उपाय। हाँ चल चल। धनी मनी, हमारे लिए आगे स्थान बनाओ। अरे द्वारपाल, द्वारपाल महाराज के दर्शन कब होंगे? शीघ्र बताओ द्वारपाल, कब होंगे दर्शन? शीघ्र होंगे, शीघ्र होंगे। हाँ,
ठीक रहूंगी। हाँ। ए दुष्टो, तुम दोनों के कान में कन खुजला खुस गया है जो हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। हमारे लिए आगे स्थान बनाओ। महाराज के दर्शन हो जाए तो कुछ खर्च कर ले। हाँ, बस स्वर मत रहे। हम सब समझ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। अच्छा माँ, हम दोनों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी। हमने आपको देखा न, कब आए अभी ध्यान ही नहीं दे पाए। मैं यहाँ पे स्थान दो। गुरुजी ये साधारण सी पंक्ति है, हम जैसे साधारण से मनुष्यों के लिए आप तो विजयनगर के राजगुरु हैं। हाँ गुरुजी, तथाचार्य राजगुरु। राजगुरु तथाचार्य को पंक्ति में आगे होना चाहिए। आगे जाइए गुरुजी, जाइए जाइए। सुनो, हमारे गुरुजी आए, थोड़ा सा रास्ता छोड़ो। हट 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 जाइए। उसे चले आ रहे हो? ये पंडित रामकृष्ण कम थे जो अब उनकी अम्मा ये बुढ़िया भी हमारे मार्ग में रुकावट बनने आ गई। बुढ़िया कहीं? क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। चलो पीछे चलो, पीछे जाओ। देखो अम्मा, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो और उस पर विचार करो। हम कौन? राजगुरु। हम आगे जाएंगे तो महाराज के दर्शन शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे, अतः हमें आगे जाने दीजिए और हमारे कारण आप सबको भी महाराज के दर्शन शीघ्र हो जाएंगे। शांत रहिए आप लोग, ये राजमहल है, शांति बनाए रखें। राजपाल, जाओ जाकर महाराज को संदेश दो कि राजगुरु तथाचार्य उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। क्षमा राजगुरु, किंतु महाराज विश्राम कर रहे हैं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? वो भी हमें? मूर्ख कहेंगे। तुम्हें याद नहीं, महाराज ने स्वयं यह आदेश दिया है कि 10 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने से पूर्व उनके मुख दर्शन करना अनिवार्य है, और तुम महाराज के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। दंड दिलवाएंगे हम तुम्हें, और यदि दंड से बचना चाहते हो जाओ जाकर महाराज को हमारा संदेश दो। ठीक है गुरुवर, आपके अनुरोध करने पर मैं महाराज को जाकर आपका संदेश देता हूँ, किंतु महाराज क्रोधित हुए तो? अरे इस विषय पर चिंता मत करो तुम, हम है ना, जितना कहा है उतना ही करो। वैसे भी महाराज हमारा नाम सुनकर स्वयं दौड़े दौड़े चले आएंगे। विजयनगर की प्रजा इतनी अशिष्ट कब से हो गई कि इस प्रकार कोलाहल करे? क्या आपको हमारे द्वारपालों ने बताया नहीं कि हम इस समय विश्राम कर रहे थे? आहा, हमें तो महाराज के दर्शन हो गए। अब इससे पहले कि ये सब लोग अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने जाएं, हम शीघ्र अति शीघ्र जाकर उस वस्त्र वाले से वस्त्र खरीद लेते हैं। महाराज के दर्शन हो गए, मैं तो चला अपनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने। राजगुरु तथाचार्य, प्राण जाए तो जाए, नेत्र ना खुले पाए नेत्र तो हम नहीं खुलने देंगे। गुरुवर जी, आपको चोट तो नहीं लगी? गुरुवर नहीं महाराज, हम ठीक है महाराज, हम कुशल पूर्वक, हमें कहीं किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई महाराज जी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। गुरुवर संभाल कर, उधर से नहीं गुरुवर, या Thank you.
छोड़ेंगे नहीं, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास दिलवाएंगे। वृद्ध अवस्था में नेत्रों की ज्योति कम हो गई है क्या? देख के नहीं चल सकते? ये तो शारदा देवी का स्वर है, मार भी अम्मा के डंडे की है। ए शारदा देवी, हम विजयनगर के राजगुरु हैं, हमें वृद्ध क्या रही हो? अरे हमने नहीं, अम्मा ने कहा। समझ गए, ये पंडित रामकृष्णा की नई चाल है। आप दोनों को हमारे पीछे लगा दिया ताकि हम इस प्रतियोगिता में विजयी ना होने पाए, किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। भगवान, महाराज की जय हो। कोषाध्यक्ष जी, आप किंतु आपके साथ तो मंत्रणा कल होना सुनिश्चित हुई थी ना? जी महाराज, किंतु अति आवश्यक आलेख पत्रों पर राज की मोहर लगवानी थी। आइए कोषाध्यक्ष जी। ये क्या, हमें देखकर आपने अपने नेत्र क्यों मूंद लिए? वो महाराज, मेरे नेत्रों में कुछ चला गया है। तो राज वैद्य जी को बुलवाएं, आपके नेत्रों का प्रश्न है। वो महाराज, मैंने भी बुद्धिमता की प्रतियोगिता में भाग लिया है। महाराज मोहर लगा दीजिए, कहीं महाराज चले तो नहीं गए? गुरुवर है, खेत में घुसा हुआ कोई पशु नहीं है जिस पर तुम अपनी लाठी भांज रही हो, और तुमने भी आंखें मूंद ली। अरे पंडित रामकृष्ण, हमारी बात सुनिए आप। अरे इधर मुड़िए तो सुनूंगा ना। अरे हमारी बात सुनिए आप पंडित रामकृष्ण। अरे इधर तो मुड़िए। हाँ हमारी बात सुनिए पंडित रामकृष्ण। हाँ बोलिए ना। ये आपकी और आपके इस परिवार की आदत बन चुकी है हमें बहुत बात में परेशान करने की। अरे अल्लाह रुक जाओ, धने के सभी चट्टे बट्टे है हमें पराजित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हम सब समझते हैं। अरे पंडित रामकृष्ण, एक आपकी ये अम्मा है, लठ मारती रहती है जब भी देखो है, वो भी विजयनगर के राजगुरु को। और एक वो आपका कुपुत्र था भास्कर, जब देखो हमारी टांग हमारी धोती खींचने में लगा रहता था। खबरदार, यदि मेरे पोते के विषय में कुछ भी कहा तो। जाओ गुरुवर, क्षमा कर दीजिए, आप सब आंखें मूंदे खड़े हैं ना, गलती से टकरा गई होगी। अरे पंडित रामकृष्ण, अरे आप मुड़िए ना इस तरफ। अरे पंडित रामकृष्ण, बोलिए अम्मा को, बोलिए ये हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा हमारा जो अपमान हुआ है इस बात को लेकर हम राज दरबार में जाएंगे और मान हानि का दावा ठोक देंगे। अरे अम्मा रुक जाओ, अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे अम्मा लग रही है। बस करो, मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। गुरुवर क्षमा कर दीजिए, अपनी अम्मा की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। किया। अरे उधर नहीं, इधर क्षमा कीजिए। धन्यवाद गुरुवर, आप बहुत महान हैं। और शीघ्र कीजिए, दुकानें बंद हो रही हैं। अरे उधर नहीं गुरुवर, उधर पीछे की तरफ। क्या करे गुरु जी? सुनो भाई, अरे हम आपके शिष्य धनी मनी 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 धनी मनी धनी इधर है गुरु जी, इधर। हाथ दो। चलो। और अम्मा है अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? भगवान, मेरे सुझाव का ये परिणाम होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब आगे और क्या क्या होगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.